नमस्कार, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और आज बात करेंगे कार्गो कंटेनर्स के बारे में। ऐसे कंटेनर्स जिसमें सामान रखकर एक जगह से दूसरी जगह या एक देश से दूसरे देश जाता है उन्हें कार्गो कंटेनर्स कहा जाता है। चीन को लद्दाख में पीटने के बाद अब भारत ने चीन को इंफ्रास्ट्रक्चर में भी चुनौती देने के लिए कमर कस ली है। कार्गो कंटेनर्स बनाने वाले देशों में चीन सबसे आगे है, लेकिन भारत भी अब मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के तहत ऐसे कंटेनर्स बनाएगा जिसमें वो अपनी विदेशों पर निर्भरता कम कर पाएगा। अगर देखा जाए, आपको बता दें कि इसके लिए भारत ने दो कंपनी से बात की है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जिसे BHEL भेल के नाम से भी जाना जाता है और ब्रेथवेट। आपको बता दें कि ब्रेथवेट एक विदेशी कंपनी है जो इन कंटेनर्स के पार्ट्स बनाती है, क्योंकि मौजूदा वक्त में इन कंटेनर्स के पार्ट्स भारत बाहर से ही लेता है। चीन के वे ऑफ प्रोडक्शन के कारण वो कम दाम में सिर्फ कंटेनर्स ही नहीं बाकी सब चीज़ें भी दूसरे देशों को मुहैया करा देता है, जिसके कारण काफ़ी टेंडर्स चीन के खाते में जाते हैं जो उसे एक ग्लोबल लीडर के तौर पर खड़ा होने की सहायक में भूमिका निभाते हैं। अगर देखा जाए, इस बीच आपको बता दें कोरोना के चलते काफ़ी देशों ने चीन से किसी भी तरीके का आयात न निर्यात करने में हाथ खींचना शुरू कर दिया था और भारत में गलवान घटना के बाद एंटी चाइना दौर शुरू हो गया था। सब लोग चाइना के प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट कर रहे थे। अगर फिगर्स की बात करें तो पोस्ट कोविड सेशन में भारत का एक्सपोर्ट तो बढ़ा लेकिन इम्पोर्ट कहीं ना कहीं नीचे आ गया, जिसके चलते भारत के पास लगभग 1,00,000 कंटेनर्स ही बचे हैं। जल्द से जल्द भारत को और कंटेनर्स की ज़रूरत होगी, जिसके चलते भारत ने सोचा है कि वो क्यों ना खुद के कंटेनर्स बनाए जिससे उनका रेवेन्यू भी खुद आए देश में और देश की इकोनॉमी भी बूस्ट हो। कंपनीज को लगभग 1,000 कंटेनर बनाने का टेंडर दिया गया है, जिसके कारण भारत में पहली बार कार्गो कंटेनर्स बनाए जाएंगे। कार्गो कंटेनर्स बनाने के बाद भारत इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेके जाएगा, क्योंकि भारत अपनी क्षमता दुनिया के सामने दिखाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ। नमस्कार।